विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का पाँचवा प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ जाइए और आराम से सारे वीडियोस देखें। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एफ आर से आर में एफ ऑफ एक्स बराबर 1 यदि वो 0 से बड़ा है, 0 यदि वो 0 के बराबर है, और -1 यदि एक्स 0 से छोटा है। तो ये हमारा एक फंक्शन है द्वारा प्रदत्त फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो हमारा फलन है ना, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है कि जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ, आर से आर, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। और वो किस प्रकार है, वो है एफ ऑफ एक्स बराबर प्लस का 1 आएगा यदि, कब, जब एक्स का प्रत्येक मान 0 से बड़ा हो, 0 आएगा यदि एक्स का मान खुद 0 हो, और -1 यानी ये केवल 3 मान ही आ रहे हैं। -1 कब आएगा, यदि एक्स जो है वो 0 से छोटा हो। कहने का मतलब है कि अगर आप एक्स बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसी प्लस की संख्या, अनंत प्लस की सारी अनंत संख्या है कोई भी ले लो, और आप इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स का मान आप चाहे इनमें से कोई भी रखते हो, तो आपको उत्तर क्या मिलना है, 1 मिलना है, प्लस का 1, केवल 1 उत्तर मिलेगा। दूसरी बात, अगर इसमें आप 0 डालते हो तो आपको एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी इस फलन का जो भी उत्तर मिलेगा वो 0 मिलने वाला अपने को। ठीक है, और अगर आप -1, -2, -3, -4 और ऐसे माइनस की सारी अनंत तक की संख्या है इस फंक्शन में आप डालते हो, तो आपको -1 मिलेगा। यानी कि अगर आपका जो फंक्शन R से R में जा रहा है, ठीक है, R का मतलब क्या, इसमें माइनस की संख्या भी है, इसमें प्लस भी है, इसमें 0 की संख्या भी, -0 प्लस, तो दोनों में -+0 सारी संख्या है। लेकिन आप माइनस का कोई भी मान रख दो, -1, 2, 3, 4 माइनस की कोई भी संख्या रख दो, ठीक है, तो इस फंक्शन में आपको केवल कितना मिलेगा, -1 ही मिलेगा, यानी मैनी के लिए 1 मिलेगा, बहुत सारों के लिए 1 उत्तर मिलेगा। तो इसका मतलब ये एकेकी तो नहीं है, बात समझ में आई, एकेकी कब होता है, जब 1 का संबंध 1 से होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अवयवों के लिए केवल 1 उत्तर आ रहा है ना, यानी मैनी 1। इसी प्रकार प्लस का 1, 2, 3, 4 आप कुछ भी रखते हो तो आपको क्या मिलता है, प्लस का 1 मिलता है, और 0 रखते हो तो 0 मिलता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे उत्तरों के लिए, बहुत सारे अवयवों के लिए मेरे पास केवल एक ही संबंध आ रहा है, एक ही उत्तर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा फलन है वो एकेकी नहीं है, वो एकेकी नहीं है। अगर हम इसे गणित की भाषा में समझें, है ना, तो गणित की भाषा में हम इसको कैसे समझेंगे कि अगर हमें x1 और x2 मेरे पास अगर 2 अवयव है, ठीक है, और वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, रियल नंबर, यानी पहले वाले सेट से रियल नंबर में से ले रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करता हूँ और एक्स वन बराबर एक्स टू मिलता है, तो वो फलन एकेकी होता है। लेकिन हमारा एक्स वन बराबर एक्स टू तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर मैं -1 लूँगा और -2 लूँगा तो दोनों का उत्तर क्या आएगा, दोनों का उत्तर -1 ही आएगा। बात समझ में आई, यानी एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू तो होता है, लेकिन एक्स वन बराबर एक्स टू मुझे नहीं मिलता है। बात समझ में आई, अभी भी नहीं आई, चलो समझो। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर -1 रखता हूँ तो भी उत्तर मेरा -1 आता है, इस फंक्शन के अगर अंदर मैं -2 रखता हूँ तो भी मेरा उत्तर -1 आता है। यानी मैंने x1 तो लिया -1, x2 लिया मैंने -2, ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -2 ये दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ में आई, यानी एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, इसलिए गणित में हम कहेंगे ये एकेकी नहीं है, अतः f एकेकी नहीं है। अब हम बात करते हैं आच्छादक की, ये आच्छादक है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आच्छादक कब होगा, जब प्रत्येक अवयव सेट
एफ से आर से सेट दूसरे वाले आर में सबको कवर कर दे, यदि एक भी आर में छूटे नहीं, कोई भी अवयव नहीं छूटे। लेकिन यहाँ पर तो चाहे मैं माइनस रखूँ, चाहे प्लस रखूँ, चाहे जीरो रखूँ, दूसरे वाले सेट में माइनस का कुछ भी रखने पर उत्तर माइनस एक आता है, जीरो रखने पर जीरो आता है, प्लस रखने पर प्लस का एक आता है। इसके अलावा माइनस दो, माइनस तीन जो इसमें छूट गए, प्लस एक, प्लस दो, पॉइंट एक, बट्टा वाली संख्या, सारे अवयव छूट गए। तो अगर एक भी अवयव छूट जाता है तो हम कहते हैं वो आच्छादक नहीं है, लेकिन इसमें तो अनंत अवयव जो है वो छूट गए। बात समझ में आई ना, इसलिए हम कहेंगे ये आच्छादक नहीं है, है ना। तो यहां लिखेंगे क्योंकि क्योंकि फलन फलन का प्रांत तथा तथा सॉरी प्रांत नहीं सह प्रांत फलन का सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर के, ठीक है। क्योंकि फलन का सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये फलन आच्छादक नहीं है। अतः अतः एफ आच्छादक नहीं है, है ना। क्योंकि हमारा जो ये दूसरा वाला सेट था R, यानी ये वाला, है ना, जो हम जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सह प्रांत भी कहते हैं, ठीक है। तो सह प्रांत तो इसमें माइनस की संख्या, जीरो, प्लस की संख्या सारी आ जाएगी। लेकिन आपका रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, परिसर केवल वो होता है जिससे ये पहले वाला सेट संबंध रखता है। तो संबंध किससे रखता है, संबंध माइनस एक, जीरो और प्लस एक से ही तो रखता है, बाकी के अवयव तो इसमें रेंज में आएंगे ही नहीं। तो रेंज में केवल क्या क्या है, रेंज में आपका माइनस एक, जीरो और प्लस का एक ही है, ये इतना सही है रेंज। और सह प्रांत इतना बड़ा है, तो सह प्रांत और परिसर जो है बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे हमारा एफ जो है वो आच्छादक नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। प्रश्न संख्या 6 है, मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें तीन अवयव 1, 2, 3, बी में आपके पास चार अवयव 4, 5, 6, 7 तथा फंक्शन जो बन रहा है ना, जिसमें संबंध बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, 1, 4, 2, 5, 3, 6। तो सिद्ध कीजिए एफ एक ए की है। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि एक सेट हमारे पास ए है, दूसरा सेट हमारे पास बी है। एक में आपके पास तीन अवयव है 1, 2, 3, बी में चार अवयव 4, 5, 6 और 7। बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है ए से बी में, वो कैसे हो रहा है कि एक का संबंध है 4 से, यानी एक का संबंध है 4 से, 2 का 5 से तो 2 का 5 से, 3 का 6 से तो 3 का 6 से। समझ में आया ना। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एक एक ही है। कैसे, कि एक का संबंध केवल एक अवयव से, 2 से नहीं है। इसमें से किसी भी अवयव का 2 से संबंध नहीं है, एक का 1 से संबंध है, इसलिए हम कहेंगे ये एक एक ही है। बात समझ में आई, है ना। तो हम यहाँ पर इसका सीधा उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि अगर मैं फलन के अंदर एफ वन रखता हूँ तो मुझे उत्तर क्या मिलता है, 4। एफ टू रखता हूँ तो उत्तर मिलता है 5, और एफ थ्री रखता हूँ तो मुझे उत्तर मिलता है 6, ठीक है। अतः अतः एफ क्या है, एक एक ही। इतना सिंपल उत्तर है, ठीक है। या गणित की भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना माना ये उत्तर हो गया आपके। अगर आपको इससे अलग उत्तर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, माना X1 और X2 दो अवयव है वो बिलोंग करते हैं आपके सेट ए में से, सेट ए में से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और एफ ऑफ X1 बराबर है एफ ऑफ X2 के, और X1 बराबर X2 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप इससे इसको देख के कर सकते हो कि भाई इसमें मैं जो भी अवयव डालता हूँ तो मुझे उसका एक ही मान मिलता है। किसी भी अवयव में जो है मुझे दो मान समान नहीं मिल रहे, और दो मान जब मुझे समान नहीं मिल रहे हैं, सबका अलग अलग उत्तर आ रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ वो क्या है, एक ही की है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, एक एक की तथा आच्छादक होने की जांच कीजिए। तो यहाँ हमें दो प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी हमें क्या करनी है, एक एक की और आच्छादक होने की जाँच करनी है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न जो है वो है एफ ऑफ एक्स बराबर 3 - 4x, और f फलन जो है वो r से r में संबंध रखता है, ठीक है। तो हम इसको गणितीय रूप से करेंगे, है ना। यहाँ हमें मानना है कि दो अवयव x1 और x2 मैं कहाँ से ले रहा हूँ, पहले सेट से ले रहा हूँ, वो कहाँ से क्या किसको बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है, ठीक है।
और मान लीजिए x1 f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, और x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कहेंगे फलन एक एक ही है। ठीक है, तो यहाँ फलन हमारा क्या है, फलन ये है, यानी अगर मैं इसमें x1 रखूँगा तो x की जगह यहाँ x1 आ जाएगा। तो यहाँ यहाँ x1 रखने पर मुझे फलन क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 x1, और यहाँ x2 रखने पर यहाँ क्या आ जाएगा, x2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 x2। अब इसको सरल करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि बराबर में समीकरण में जैसे यहाँ प्लस का 4 है और यहाँ भी प्लस का 4 है तो वो कट जाता है। कट कैसे जाता है कि भाई 4 प्लस का 4 इधर आएगा तो 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया क्या आता है, 0 आता है, बात समझ में आई। तो ये 3 तो आपका हट गया, फिर माइनस और माइनस दोनों साइड में माइनस है तो माइनस भी हट गया, बात समझ में आई। फिर यहाँ बचा 4x1 बराबर 4x2, ये गुणे में इधर आएगा तो हो जाएगा 4 बटे 4, इसका मतलब 4 भी हट गया, आया क्या x1 बराबर x2। जब हम मान के चलते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 और हमें मिल जाए x1 बराबर x2, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा f है वो क्या है, एक एक ही, तो हमारा फलन जो है वो एक एक ही तो आ गया। अब इसके आच्छादक की जांच करते हैं, ये आच्छादक है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जब भी हम आच्छादक ज्ञात करते हैं तो क्या मानते हैं, y belongs to R, यानी कि हम अब दूसरे जो सेट है हमारा R उसमें क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक y है ना, प्रत्येक अवयव किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर वास्तविक संख्या को बिलोंग कर रहा है, और हमारा फंक्शन जो है f of x वो क्या है, वो है 3 माइनस 4 x। अब इस f of x को हमें किस में कन्वर्ट करना है, y में कन्वर्ट करना है ना। तो हम जानते हैं कि f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x जो होता है वो y होता है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि y बराबर क्या होता है, f ऑफ x होता है, इसको समझो। हमें क्या करना है, ये r है और ये भी r है, r से r में संबंध जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अवयव होते हैं और इससे जितने भी जो इससे संबंध रखते हैं दूसरे वाले सेट में, जितने भी अवयव इससे क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, मान लो इतने अवयव संबंध रखते हैं, तो जितने अवयव संबंध रखते हैं, बाकी के मान लो अवयव संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जितने अवयव संबंध रखते हैं वो आपका परिसर होता है, यानी कि f ऑफ x होता है। ठीक है, और इस पूरे सेट को यानी कि R को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, यानी कि सहप्रांत कहते हैं। और अगर ये सहप्रांत इस परिसर के बराबर आ जाए, यानी कि टोटल जितने भी अवयव है उसमें सहप्रांत की संख्या भी वही है और परिसर की भी संख्या वही है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फलन है वो आच्छादक है। समझ में आया, है ना। तो अब क्या करेंगे कि अगर y और f ऑफ x हमारा बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो क्या है, आच्छादक भी है। तो y तो हमारा y है, लेकिन f ऑफ x क्या है, वो है 3 माइनस 4 x। चलो अब इसको हम y में कन्वर्ट करते हैं। y में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पक्षानांतरण करके। हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो गया वाई माइनस 3, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, अब यहाँ है माइनस का 4 x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेते हैं, और जब दोनों तरफ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है 3 माइनस वाई, यानी ये उल्टा हो जाता है, तो 3 माइनस वाई कर देता हूँ और इसको प्लस का कर देता हूँ 4 एक्स। मैंने क्या करा, दोनों तरफ माइनस का गुणा करा। ठीक है, अब ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, यानी ये हो गया 3 माइनस वाई बटे 4 बराबर एक्स। ठीक है, अब वाई का मान मैं इस फंक्शन में कुछ भी रख लूँ, ठीक है, चाहे प्लस का एक रखूँ, चाहे माइनस का एक रखूं, चाहे जीरो रखूं, एक तो ये फलन आपका परिभाषित है। ठीक है, परिभाषित है, और दूसरी चीज़ है कि जो भी चीज़ मैं इसके अंदर रखूंगा मुझे वास्तविक संख्या कोई ना कोई तो मिलेगी, है ना, यानी इसकी जो भी चीज़ मैं रखता हूँ वो एक्स में मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो आपकी नींव बहुत कमज़ोर है, आपको शुरू से सारी वीडियोज देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वाई चाहे मैं कुछ भी रखूं, मुझे रियल नंबर का मान ही मिलता है, यानी जो भी मान आएगा वो बिलोंग करेगा आर को, इसलिए मैं कहूँगा अतः जो एफ है, अतः एफ क्या है, आच्छादक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो सेकंड वाला करेंगे अपन। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, देखो सेकेंड वाला है एफ ऑफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ एफ जो है वो आर से आर में जा रहा है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि भैया माना दो अवयव एक्स वन
और एक्स टू बिलोंग करते हैं आर को, यानी इस पहले वाले सेट को। अब माना कि एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, दोनों फलन आपस में बराबर है। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू भी आ जाए तो मैं कहूँगा वो एक एक ही है, नहीं तो नहीं है। चलो एफ ऑफ एक्स वन, यानी इस फलन में अगर एक्स वन रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वेयर और यहाँ वन आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ टू रखूँगा एक्स टू तो मुझे क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स टू। ठीक है, अब वन से वन तो हट गया, फिर आया एक्स वन स्क्वेयर बराबर एफ एक्स टू स्क्वेयर। ठीक है, अब ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स वन बराबर रूट एक्स टू का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि जब वर्ग इधर आता है तो प्लस माइनस साथ में लेके आता है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साथ में आएंगे। अब देखो वर्गमूल से वर्ग हट गया तो एक्स वन बराबर क्या आया, प्लस माइनस एक्स टू। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक्स वन जो है एक्स टू भी हो और एक्स वन माइनस का एक्स टू भी हो, दोनों आपस में कभी बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हम कहेंगे x1 इज इक्वल टू नॉट x2, अतः हमारा जो फंक्शन है वो एक एक की नहीं है। अब इसको समझना, f एक एक की नहीं है, यानी अगर मैं इस फंक्शन में आपका प्लस का एक रखता हूँ, ठीक, तो हमारा उत्तर क्या आता है, 1 प्लस यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा, एक, तो उत्तर आया 1 प्लस 1, यानी कि उत्तर आया 2। ठीक है, अगर इसमें मैं माइनस एक रखता हूँ तो वन प्लस स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है, इसमें अब माइनस एक डाल रहा हूँ तो वन प्लस माइनस एक का स्क्वायर क्या होता है, माइनस एक इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस का एक, तो उत्तर क्या आया, प्लस का एक, यानी एक और एक कितना हो गया, दो। तो एफ एफ वन, एफ ऑफ वन जो है उसका उत्तर भी दो आ रहा है, माइनस वन का उत्तर भी दो आ रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू तो है लेकिन एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं है। समझ गए? चलो अब इसके आच्छादक की जांच करते हैं, ये आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम y बिलोंग्स टू r करते हैं, यानी दूसरे सेट में हम y ले रहे हैं, प्रत्येक अवयव ले रहे हैं, और अगर y बराबर f ऑफ x यानी कि सह प्रांत उसके परिसर के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे वो आच्छादक है, नहीं तो नहीं। अब y बराबर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा है वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम y में कन्वर्ट करेंगे, यानी सबको इधर पक्षांतरण करेंगे, तो ये हो गया y, ये प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल y माइनस वन बराबर एक्स हो जाएगा। अब देखो अगर मैं y बराबर माइनस का दो रखूँ या माइनस का तीन रखूँ, माइनस का चार, कुछ भी माइनस की वैल्यू रखूँ, ठीक, तो मुझे मुझे x क्या मिलेगा भाई, यहाँ रखो y की जगह माइनस दो रखो, माइनस एक रखो, तो माइनस दो और माइनस एक जुड़ेगा हो जाएगा माइनस का तीन, और ये तो काल्पनिक संख्या है। अगर रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि भैया तीन का तो तीन हो गया और रूट माइनस, माइनस कितना, एक है ना, एक इंटू, ऐसे माइनस तीन को ऐसे लिख सकते हैं, तीन इंटू माइनस का एक, और रूट माइनस एक का मतलब होता है आयोटा, क्या होता है, आयोटा, है ना, तो ये हो गया रूट तीन आयोटा, कितना हो गया, रूट तीन आयोटा, बात समझ में आई। तो x बराबर मुझे मिलता है रूट तीन आयोटा जो कि एक काल्पनिक संख्या है ना। तो हम कहेंगे कि वास्तविक संख्या रखने पर मुझे काल्पनिक संख्या मिल गई, वास्तविक संख्या रखने पर मुझे काल्पनिक संख्या मिल गई, जबकि हमारा फलन तो r से r में होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं रहा है। अतः मैं कहूँगा कि यहाँ 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 एक काम और कर दो कि y belongs to, ये जो माइनस दो ले रहा हूँ इसका मतलब कहाँ से ले रहा हूँ, रियल नंबर से, तो मुझे x क्या मिल रहा है, x मिल रहा है रूट तीन आयोटा, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये जो है r में आपके पास नहीं मिलेगा, अतः अतः f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू।